फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, समष्टि और व्यष्टि इकोनॉमिक्स के बारे में। अब टॉपिक यह है कि अभी अभी जो अमेरिका में नई सरकार बनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो एक मुद्दा हर रोज उठता आया है, हर दिन की सुर्खियों में रहता है समाचार पत्र की और मीडिया की, कि डॉलर का क्या असर होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। दोस्तों, पहला असर तो यह है कि यह देखना है आज के इस वीडियो में कि क्या सोना और डॉलर आपस में कोई रिलेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या ऐसे ही कोई सकारात्मक नकारात्मक संबंध है या नहीं है। दोस्तों, आपको एक पता तो होगी, बात है वो आप जानते होंगे कि जब भी देश में युद्ध की संभावनाएं होती है तो वहां के लोग इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान देते हैं, बचत की ओर ध्यान देते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो बचत काम आएगी। दोस्तों, बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा डॉलर से नियंत्रित होती है, जिससे भारत भी है। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, या रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और वहां पर सेना भेजी, परिणाम क्या हुआ, लोगों ने इसे जोखिम मानकर कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, अगला विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध या कोई और दूसरा युद्ध ना हो जाए, तो वे सेफ हेवन, जो सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करने लग गए, और सोना एक ऐसी संपत्ति बन जाती है जिसे युद्ध के समय सुरक्षित माना जाता है। हर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। दोस्तों, हालांकि जब निवेशक सोने में निवेश करते हैं तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम होती है। मांग बढ़ना और पूर्ति कम होना क्या होता है, महंगाई को निमंत्रण देता है। जबकि अमेरिकी डॉलर का मूल्य कम हो जाता है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या सोने और डॉलर के बीच कोई संबंध है, या वो कौन से कारण हैं, वो कौन से कारक हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों के बीच के संबंध को तय करते हैं। दोस्तों, इसको आज हम समझेंगे आज के वीडियो में, जिसका कि हेडिंग है रिलेशन बिटवीन डॉलर एंड गोल्ड, डॉलर डगमगाया, चांदी सिहरी, सोना सकपकाया, ये क्यों। दोस्तों, बात आती है प्रथम विश्व युद्ध से। हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहले के दिनों में विनिमय का सबसे लोकप्रिय माध्यम सोना था। हम जानते हैं कि पहले वस्तु के बदले वस्तु होती थी, फिर धातु के बदले कुछ वस्तु दी जाती थी, तो सोना जो था वो सबसे बड़ा विनिमय का जो माध्यम था वो था। फिर यह कागज में बदल गया, जो कि पैसा बना। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ने अधिक स्थिर वित्तीय प्रणाली और अधिक आरामदायक व्यापार पर चर्चा शुरू की। जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड नामक प्रणाली नहीं बनी, जिसे डॉलर में शामिल सोने की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, अब बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कि अपनी मुद्राओं वाले देशों ने विनिमय दरों में उतार चढ़ाव का अनुभव किया, क्योंकि अलग अलग लोग व्यापार लाभ के लिए मुद्रा मूल्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि निर्यात के लाभ के लिए एक कमजोर मुद्रा निर्धारित करना। कुछ देश अपने स्वयं के कस्टम अनुपात का समर्थन करने के लिए सोने पर निर्भर करते हैं। व्यापार करना अंतरराष्ट्रीय निवेश को भ्रमित करता है। इसके अलावा कई देशों ने व्यापार नीतियों को बंद कर दिया है, विभिन्न रूपों में व्यापार और निवेश में बाधाएं, जैसे कि उच्च कराधान बाधाओं की स्थापना, निर्यात सब्सिडी दुनिया पर
भर में एक दूसरे के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बन जाता है और जिसका कारण होता है विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वित्त को व्यवस्थित करने और आर्थिक संघर्षों से बचने के तरीके खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श लेना और देना शुरू किया। परिणाम स्वरूप ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों ने सीमा शुल्क या सोने के समर्थन को समाप्त करने पर सहमति शामिल की। फिर डॉलर को सोने द्वारा समर्थित एकमात्र मुद्रा बनाकर अपनी मुद्रा की विनिमय दर को डॉलर से जोड़ने की बारी आई। दोस्तों, इस मुद्दे से निपटने के लिए एक तंत्र के रूप में दो नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और निर्माण और विकास बैंक IBRD की स्थापना की। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सोने को, जो सोने का भाव है, जो सोने का मूल्य है, जो सोने की कीमत है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसे डॉलर से जोड़ने की कवायद की गई और इसके लिए दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए कि वो इसको, जो दलीलें दी गई उसको मजबूती से पेश कर सके। वो बनाई गई एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो फंड है वो, और दूसरा है निर्माण और विकास बैंक IBRD की स्थापना कर दी गई। मुख्य शर्त यह रही कि सभी राष्ट्रों को अपने पैसे का व्यापार सोने या अमेरिकी डॉलर के साथ करना होगा और उन्हें अपने स्वयं के डॉलर को $35 प्रति औंस के सोने के लिए विनिमय करना होगा, राइट? संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीजों में निवेश करने वाला राष्ट्र है, डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माध्यम बनाए, ये उनका कहना था। भले ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम ध्वस्त हो गए, लेकिन दुनिया भर के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय भंडार के रूप में सोने का उपयोग कर रहे हैं। और COVID-19 के दौरान, COVID-19 जो प्रॉब्लम आई, पैंडेमिक आया, कई देश अधिक सोना खरीद रहे हैं। उसके बाद इस देश की स्थिरता के लिए सोना आवश्यक है। उनका मानना है कि COVID-19 के दौरान जो बचत थी सोने के रूप में या गोल्ड के रूप में, या सबसे ज्यादा तो गोल्ड के रूप में, तो उस समय काम तो लोग अब क्या करके इसलिए सोने और डॉलर की कीमत में सीधा संबंध, या डॉलर के मूल्य में बढ़ती या कमी होने पर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आता है। सोना 90 समय से डॉलर से जुड़ा हुआ है और डॉलर की मुद्रा में बदलाव सोने की कीमत को सीधा प्रभावित करता है। यूरो और येन जैसी दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के बदले या मुकाबले डॉलर के मूल्य में गिरावट के साथ सोने की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में कारोबार की जाती है। फिर जब डॉलर कमजोर होता है तो यूरोस के पास मौजूद अन्य मुद्राओं की तुलना में चढ़ाव के दौर में है। दोस्तों, देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, डॉलर की कीमत वहां की राष्ट्रपति की नीतियों पर डिपेंड करता है, विदेशी नीति पर।
वहां की व्यापार नीति पर, ट्रेड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अब जबकि एलन मस्क उनकी टीम में शामिल हो गए हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन ये राष्ट्रपति मतलब का चुनाव परिणाम आया और वो जीते, ट्रंप है वो, दूसरा 2.0 का हुआ, उस दिन डॉलर की कीमत थी 84.49, राइट, उसके बाद डाउन 84.33 पर पहुंच गया और वापिस बढ़ा के देखा, पहले उतार फिर चढ़ा। दोस्तों इस समय स्थिति ये है कि जैसे जैसे डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, सोना सस्ता होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से तो, लेकिन सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले और कौन से कारक की जांच आवश्यक है। पहला मौद्रिक नीति और ब्याज दर। दोस्तों सोने की कीमत के साथ विपरीत दिशा में संबंध रखती है मौद्रिक नीति और ब्याज दर। अगर नीतिगत ब्याज दर बढ़ती है तो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा है और लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, डॉलर का उछाल आएगा, नकदी चलना है, सोने की कीमत। दूसरी ओर नीतिगत ब्याज दर कम करने में यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, डॉलर में गिरावट के कारण विनिर्माण क्षेत्र, टेक्नोलॉजी क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र, विभिन्न देशों की सरकारों सहित निवेश क्षेत्रों ने सोना खरीदने के लिए अधिक भंडार का उपयोग किया है। यदि अधिक सोने की आवश्यकता होती है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि मांग अधिक हो जाती है। इसके अलावा तेल की कीमत का विश्व सोने की कीमतों के साथ सकारात्मक संबंध होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल लागत आधारित मुद्रास्फीति के रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तेल की कीमत बढ़ती है तो सोने की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। यदि क्रूड ऑयल की रेट कम होती है तो सोना भी सस्ता होगा। सभी कीमतें डॉलर से निर्धारित होती है, विश्व वैश्विक सत्य है, ग्लोबली ट्रुथ है। और उससे क्या क्रूड ऑयल थोड़ा जिससे बात होती है, इसके अलावा तेल और सोना एक ही कमोडिटी बास्केट में है। जब विदेशी निवेशक तेल का व्यापार करते हैं तो सोने का भी व्यापार होता है। इसके अलावा वैश्विक संकट, यदि सब प्राइम संकट वैश्विक राजनीतिक संघर्ष या युद्ध जैसे संकट हो तो विश्व स्वर्ण मूल्य के साथ सकारात्मक स्वर्ण मूल्य में वृद्धि होगी। स्वर्ण को सुरक्षित स्वर्ण या कार्क माना जाता है, कार्क तो गोल्ड के जो निवेश हुए हैं उनको संकट ग्रस्त मुद्राओं या अन्य संकट ग्रस्त परिसंपत्तियों धारण करने की तुलना में आत्मविश्वास के दायित्व हमारे पास गोल्ड है कभी भी ले सकते हैं। मुद्रास्फीति सोने की कीमत के साथ एक दिशा में संबंध है। 2021 के अंत में अमेरिकी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई, सोने की कीमत में वृद्धि हुई या उच्च होता है कि यदि सोने में पैसा लगाया है तो सुरक्षित रहेगा। डॉलर की मजबूती से क्यों सस्ता सोना हो जाता है, क्यों सोना सस्ता हो जाता है? फेस्टिव सीजन के बाद सोने की कीमत में लगातार कमी आ रही है। दिवाली से लेकर अब तक सोना करीब
7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सस्ता हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर में कीमत में वृद्धि हो, डॉलर की कीमत में चढ़ाव आया। कई बार हम सोचते हैं, देखिए जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है या जो नॉर्मल व्यक्ति है, ये सोचता है कि डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड भी सस्ता होगा। नहीं, ये गलत है, उनकी सोच गलत है। डॉलर की रेट जैसी बढ़ेगी, सोने में हमें फायदा हो, सोने की कीमत में कमी आएगी, लोग ज्यादा सोने भी बेच कर पाएंगे। आखिर दोनों के बीच में क्या संबंध है, कीमत को कैसे प्रभावित करता है, यह देखने की बात है। तो दोस्तों पहली बात तो बता दें, इस समय सोने की कीमत कम हो चुकी है। डॉलर की मजबूती के चलते सोने की कीमत लगातार गिर रही है और डॉलर और सोने की संबंध है सीधा संबंध नहीं है। डॉलर की मजबूती से सोने की कीमत गिर जाती है। दोस्तों लगातार गिरावट आ रही है और सोना जहां 81,000 प्रति 10 ग्राम हो गया था, आज की डेट मतलब आज 20 नवंबर को वही रेट है 10,800 रुपए, मतलब लगभग 7,000 रुपए। निशान को पार करते हुए हाई लेवल पर पहुंच चुका है। दोस्तों अब जब बात आती है कि सोने का कारोबार अमेरिकी डॉलर में क्यों किया जाता है, दोस्तों सभी देशों ने एक ही रणनीति बना रखी है कि एक मानक मुद्रा रखी जाए। मानक मुद्रा रखने का मतलब है कि डॉलर को मानक मुद्रा मान लिया गया और उसके ही उतार चढ़ाव से क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, कमोडिटी सब कुछ उससे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसलिए जितना डॉलर बढ़ेगा उतना ही सोना सस्ता होगा, ये सत्य है, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध है और ये संबंध है मैक्रो नहीं, माइक्रो नहीं, मैक्रो पर प्रभाव पड़ता है, ये समष्टि पर प्रभाव डालती है। क्योंकि लोग जो है COVID-19 जैसे पेंडेमिक के बाद उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, सबसे बड़ा यदि निवेश इन्वेस्ट का जो क्षेत्र है वो गोल्ड है। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो कभी हम मात नहीं खाएंगे। डॉलर में क्या कभी उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी किस बैंक में हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध की बातें चल रही है, तो ये बात चल रही है, पता नहीं कब हो जाए क्या हो जाए, देखिए दिवालिया दोस्त है। लेकिन गोल्ड, यदि गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया है तो उनका ये मानना कि सबसे समझता है, और जैसे ही मांग बढ़ी गोल्ड इधर गोल्ड महंगा हो जाएगा, क्योंकि मांग और पूर्ति में सीधा संबंध है। मांग बढ़ी पूर्ति कम हुई, पूर्ति कम हुई तो रेट बढ़ गई, ये इकोनॉमिक्स का रूल है। पूर्ति बढ़ेगी ना तो क्या होगा, सस्ता होगा, लेकिन मांग बढ़ी पूर्ति कम हुई और बनी स्तर अति स्तर क्या होगा कि उस चीज का मूल्य बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा बनते ही, मतलब चुनाव जीतते ही वो डॉलर के भाव बढ़ गए और सोना धड़ाम से 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर गया। अब आप क्या कहें, ये चीज है दोस्तों तो कि विश्व में, विश्व भर में गोल्ड के दाम या कीमत तय करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा कारक है आपका डॉलर, डॉलर की रेट में वृद्धि,
सब चीजें उसी से कनेक्ट होना, डॉलर से सब चीजें कनेक्ट है दोस्तों, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे आपका जो भी ईंधन हो, चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे वो एरोप्लेन में हवाई जहाज में डाला जाने वाला ईंधन हो, सभी की रेट है वो डॉलर तय करता है, क्योंकि डॉलर को एक मानक मुद्रा के रूप में मान लिया गया है। कई देश है जो अपने अपने लेकिन उनकी मुद्राओं में तय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक संगठन बनाया, उसके अंदर एक सहमति बनाई गई कि हम सब मिलकर डॉलर को एक मानक मुद्रा के रूप में हम इसे मानते हैं, और आज के बाद हम इसे प्रमाणित करते हैं कि मानक मुद्रा है। उससे मानक मुद्रा से सभी चीजें तय होती है, आपके सूचकांक, आपके इकोनॉमिक इंडेक्स, आपका गोल्ड, आपका क्रूड ऑयल, सारी चीजें, यहाँ तक कि आपकी पर ईयर कैपिटल इनकम है वो भी उसी में देखी जाती है कि किसी व्यक्ति की कितने डॉलर पर कैपिटल इनकम है। तो दोस्तों ये है आपका डॉलर और गोल्ड के बीच का संबंध। डॉलर गिरा, गोल्ड महंगा, डॉलर चढ़ा, गोल्ड सस्ता, तो ये चीजें हैं, और ऐसा ही शादी के साथ। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक साथ तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम डॉलर का भाव बढ़ता है तो क्या क्या है और गोल्ड और डॉलर के बीच क्या संबंध है, सीधा है या उल्टा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्यों आज गोल्ड पकाया सा है और क्यों डॉलर है वो सहमा सा है। दोस्तों हमने पूरी राजनीति समझ ली अमेरिका की, क्या एलन मस्क सोच रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको भी ये सोचना नहीं है, आपको आपके लिए सीधा सा है, आपको परम क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट करना, वाच करना, शेयर करना, ये समझाने के लिए लोगों को कि डॉलर और गोल्ड के बीच सीधा संबंध ये उनकी विपरीत संबंध है। दोस्तों कल एक ऐसा ही तड़का किसी और लेकर आते हैं, लेकर आते हैं जो कि आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा, ये तय है। दोस्तों मिलती है कल, हमें एक बार इसी मत पर देखते रहिए, डॉलर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं गोल्ड की कीमत, दोस्तों कल मिलते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपकी कीमत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।